अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 5 और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके साथ शेयर करने। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ये पाकिस्तानी एयर फोर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहन लिया, पहला क्वेश्चन देखें जी। यहाँ पर ये कुछ नए स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ पर देखें इसकी लाइन इस तरफ है, ठीक है, इसकी भी इस तरफ है और इसकी भी इस तरफ है। इसमें कुछ ऐसा देखना है, इसमें इसको देखें पहले, इसकी लाइन टेढ़ी है, इसको डिलीट कर दो। इसकी लाइनें भी इसके साथ नहीं मिलती, डिलीट। इसकी इसको क्यों डिलीट करना है, क्योंकि इसकी थोड़ी डार्क है, ठीक है, इसकी हल्की लाइनें, तो इनमें से ये ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट का आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। ये कह रहा है इसका जो पार्ट है ये कहाँ पर मिलता जुलता है, ठीक है। इसका पार्ट, पहली बात है, इसको अगर हम थोड़ा सा खुद से जोड़ें तो ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर एक लाइन होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जनाब ये स्केयर मिल रहा है और अगेन ये यहाँ पे मिल रहा है। अब ये शेप यहाँ पे ढूंढनी है, ढूंढ लो कहाँ पे है। और यहाँ पर एरो है, ये वाला सबसे पहले, ये वाला एरो, ये एरो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस तरह का हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो तो सीधा एरो आ रहा है। तो ये डिलीट करो और राइट आंसर इज दिस वन। नंबर 3, ऊपर है, लेफ्ट पे है, नीचे है, तो राइट पे एक होनी चाहिए, राइट पे दिस वन इज राइट आंसर, ठीक है। नंबर 4, अच्छा सेम एज इट इसको नीचे ड्रॉप कर दो, सेम एज इट एज, क्योंकि इसके नीचे सेम है और इसके नीचे भी सेम है, तो सेम कहाँ पर मिलेगा, दिस वन इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा देखो जी, सेम एज इट एज इट एज ड्रॉप कर दें आप इसको, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह होगा, मतलब इसको नीचे ड्रॉप करो तो यहाँ पर आंसर बनेगा। तो इसका यहाँ पर शेप नंबर 3 राइट आंसर। नंबर 6, अच्छा यहाँ पर ये बनाया हुआ है फिर इसने, तो इसको हम यहाँ से लेंगे इस तरफ और अगेन यहाँ से आएगा जी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पर शेप बनी हुई है, इसके साथ ये वाला भी अटैच करना है बायर वाला, तो ये कैसे होगा जी, अंदर हो तो कोई लाइन नहीं है ऐसी, बस दो ही लाइनें हैं। तो ये लाइन जो है ये हो गई नहीं, इसके अंदर लाइन है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की बता रहा है, और ये हो सकता है, ये राइट आंसर है 3। नंबर 7 में चाहिए, यहाँ से आकर इस तरफ लाइन जा रही है। सबसे पहले इस कॉमन सेंस की देखें तो इस लाइन को हम देखें तो ये इस तरफ आ रही है, और इसको अगर हम देखें ये यहाँ से आकर यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो मतलब जो लाइन जिसकी इस तरफ लगी होगी वो राइट आंसर बनना चाहिए। चलें चेक करते हैं जी, और उसके बाद क्या है जी, तीसरी लाइन ये है, और यहाँ पर एक लाइन इस साइड से इस तरफ आ रही होगी, ठीक है। इस तरफ तो सभी में लाइनें आ रही हैं, इसमें भी आ रही है, इसमें भी, इसमें इसमें भी, और एक और ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है जी। अच्छा दरमियान में एक लाइन होगी जो यहाँ पर अटैच करके और फिर जनाब यहाँ पर नीचे आ रही होगी, और एक इस साइड पे आएगा जी। कन्फ्यूज हो गया मैं अभी, यस इसमें मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो प्लीज़ आप आंसर चेक करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। ओके तो लेट्स सी, ये है, और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ठीक है, या यहाँ पे कर लो, या जिस तरह की मर्जी, राइट आंसर यही बनता है। इस पर चले जाओ तो क्या हो रहा है वहाँ पर, फिर अगेन कन्फ्यूज हो गया। अच्छा यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर, और ये यहाँ पर है तो लाइन तो यहाँ पर ही होगी, बट होगा क्या इसका। अच्छा यहाँ पर एक ऐसा फिल था, ठीक है, यहाँ पर दो ऐसे फिल कर दिए, यहाँ पर 1, 2, 3 है तो 4 ऐसे फिल कर देगा, और 4 ऐसे फिल किस तरह करना है, इसने लाइन इस तरह लगाई हैं, इस तरह लगाई हैं, तो राइट आंसर इज दिस वन। 10 नंबर देखें जी, इस तरह था तो ये एक लाइन ख़त्म कर दी गई है, अभी इस तरह है तो ये दो लाइनें हैं, दोनों ख़त्म कर देंगे, राइट आंसर इज दिस वन, ठीक है। आगे 11 के ऊपर वाला सेम एज इट इज
एज इट एज क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक लाइन आती है और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना होगा ये वाला, दैट्स राइट। अच्छा यहाँ पर दो थी, एक बना दिया, दो है तो एक बना होगे तो एक कौन सा आएगा, यही वाला आएगा 13। वॉट अबाउट दिस, ये क्या क्वेश्चन है। सो ये पूरी एक ट्राइंगल है तो इसका ये क्या कहता है कि क्या बनाना है। वॉट अबाउट इट, आई डोंट नो बट दिस वन इज राइट आंसर। अच्छा ये जनाब इस तरह थी, तो यहाँ पे इसने एक लाइन खींच दी, ये इस तरफ है तो इसकी लाइन कहाँ खींची जाए, ये हो गई, ये भी हो गई, ये हो गई, होगा ये इज राइट आंसर इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन खींची गई। सेम इज दैट, इसी तरह का एक बॉक्स आएगा, ये आ गया 16। अच्छा इसमें 16 के अंदर इसने क्या ऐड करना है जी, सर्कल है और यहाँ पर साइड से इस तरह कुछ बना हुआ है और सर्कल होगा और दरमियान में ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 17 में ये छोटी सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेवी और नेवी में तो आया, एयरफोर्स में भी आ सकता है, इस तरह से है। और इसकी लाइनें हैं जी इस तरह, ठीक है, इस तरह लाइनें हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर इज दिस वन। 18, चार हैं तीन कर दिए, तीन है तो यहाँ पर चार वाला होगा, चार वाला ये वाला, ठीक है। 19, अच्छा तीन है ऊपर और नीचे से फिर किस तरफ है, दरमियान में है जी, तो ये वाली आंसर नहीं, यहाँ से कर्व कर्व है तो ये आंसर बनना चाहिए, बट इसमें ये आंसर बनता है, ठीक है, कर्व है तो इसमें बनेगा, देख लीजिएगा, अगर रॉन्ग हुआ तो कमेंट्स में बताना है आपने। लाइन है जी इस तरह, ठीक है, स्लाइड्स हैं तो यहाँ पर स्लाइड्स कहाँ पे जी, एक दो और एक दो, लेकिन नीचे एक लाइन नहीं है, ठीक है, इसमें नीचे ये लाइन है, इसको डिलीट करो। राइट आंसर इज दिस वन। आज की वीडियो यहाँ तक एंड हुई, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब मस्ट करना, नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एयरफोर्स की भी अगले कुछ दिनों तक स्टार्ट करेंगे, बट अभी एयरफोर्स पाकिस्तान नेवी काफ़ी सारा मटेरियल हमने तकरीबन 20 की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अगर 20 आप देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।